साथियों, चैनल मात्र प्रेरणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ केले के पकौड़े। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। केला पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है, करीब एक ग्लास के लगभग पानी है, जिसमें कि मैंने नमक डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ रेड चिली फ्लेक्स। ये आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। आप यदि तीखा खाते तो ज़्यादा डाल दीजिए और कम तीखा खाते हैं तो कम। और यहाँ पर मैंने डाला है करीब पाव चाय चम्मच हल्दी पाउडर। अब हमें चाहिए कच्चे केले। तो कच्चे केले का छिलका निकाल कर हम इसे अपने मनचाहे आकार में काट कर हमने जो पानी का घोल तैयार किया है इसमें डाल देंगे। सारी चीजें डाली हैं। और इसे अपने मनचाहे आकार में काट करके इस घोल में डालते जाना है। इसमें डालने से एक फायदा ये होता है कि केले के भीतर जो नमक और मिर्च है उसका स्वाद अच्छे से बढ़ जाता है। तो जब हम इसे पकौड़े बनाते हैं तो ये भीतर से भी अच्छा नमकीन लगता है। तो मैंने ये सारे केले काट करके इसमें रख लिए हैं। अब हम इसे करीब 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ हम करीब आधे चम्मच के लगभग अजवाइन डाल देंगे। और साथ ही में हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा हींग। इसकी खुशबू से और भजिए के स्वाद में बिल्कुल जान आ जाती है। हमने इन सबको मिक्स कर लिया है। हमारे ये जो केले के चिप्स हैं ये भी काफ़ी देर से मैरिनेट हो रहे हैं। अब हम इसे मिला देंगे बेसन। करीब 6 केले लिए हैं तो उसमें 1 कटोरी के लगभग बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पानी मैंने लिया है 1/2 गिलास के लगभग। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये हमारे पकौड़े का घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से आप मिर्ची के पकौड़े यदि बनाएंगे तो उसमें मिर्ची का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पहले से ही मिर्ची और ये सब काट करके मैरिनेट होने के लिए रख दिए थे। अब इस पर भी मैं बेसन मिक्सअप कर लूँगी। केले के साथ ही मैंने मिर्ची भी काट करके अलग से पानी में गला कर रख दी थी। पानी में जो हमने केले के पानी में सारे सामग्री डाली थी वही सब इसमें भी डाली। बस इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है क्योंकि हम ऑलरेडी मिर्ची के ही केले पकौड़े बना रहे हैं। सॉरी, केले मुँह से निकल गया। मिर्ची के ही पकौड़े बना रहे तो उसमें लाल मिर्च पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी वैसे ही तीखी होती है। मिर्ची को मैंने पहले से काट करके, जब मिर्ची हम इसमें काटते हैं तो हमें बीच में से कट लगा करके डालना है या बीच में से काट करके इस तरह से इसकी 2 भाग करके डाल देना है पानी में। तो मैंने पहले से ही करके रखा था। बस इसमें इस पानी में मैंने नमक, हींग और अजवाइन डाला है और थोड़े से प्याज भी मैंने डाल दिए थे। तो अब इस तरह से हम मिर्ची के पकौड़े जब बनाएंगे तो इसमें मिर्ची का जो टेस्ट है बहुत अच्छा सा नमकीन टेस्ट आता है। तो पकौड़े के लिए हमारे ये दोनों घोल एकदम तैयार हो गए हैं। हम इन्हें फिर से लगभग 5 मिनट के लिए घुलने के लिए रख देंगे ताकि बेसन और सारे मसाले अच्छे से एक साथ हो जाए।
तो इसके बाद हम इसे तल करके निकालेंगे। फूल में एक चीज़ और डालना है, करीब आधा टेबल स्पून के लगभग इसमें हमें खाने का तेल डाल देना है। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भी आप तलने वाले हैं, तेल में इसे डालें। और अब हमारा ये बैटर है जो पकोड़े बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए हम इसके पकोड़े बनाते हैं। अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम फटाफट पकोड़े तल लेते हैं। और ये हमारे केले के पकोड़े बनकर के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। साथियों, यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे हैं। इसके बाद अब सेकंड बेच हम मिर्ची के पकौड़े का बनाएंगे। तो इन्हें भी हमें एक एक करके डाल लेना है, तल लेना है। बड़ा ही आसान है, बड़ा लाजवाब बनते हैं ये। तो साथियों, आप इस प्रकार के दोनों तरीके के भजिए बना करके ज़रूर ट्राई करें। एंड प्लीज़ एक बार फिर से मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।